काफी दिनों बाद ये सॉरी बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे टॉपिक ऐसा नहीं मिल पा रहा था कि जिसमें मैं वीडियो बना पाऊँ। खाली खाली की वीडियो बनाना आदत नहीं है। तो टॉपिक आज मुझे मिला है कि टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या हमें स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अपने जो हमें आजकल बांटा जा रहा है स्वास्थ्य बीमा वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि कोविड महामारी में तो उस समय लोगों ने अनाधुन स्वास्थ्य बीमा खरीदे अनाधुन, और क्योंकि पता नहीं था कि स्वास्थ्य बीमा खरीद के लोग अपने आप को सिक्योर मान रहे थे कि यार अस्पताल में बेड मिल जाएगा फलाना है और उन चीजों से हमारी बीमारियां दूर होने में हेल्प तो सही है। लेकिन क्या स्वास्थ्य कोई भी बीमा, कोई भी हम बात करते हैं बीमा पे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, वो तो हम बाद में लेते हैं, लेकिन कोई भी बीमा अगर हम ध्यान दें, अगर हम गाड़ी का बीमा कर रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं और आने वाले 5 साल में हम LIC फंड के अंदर हम लोग उस बीमा को, बीमा आता है उस बीमा को हम लोग लेते हैं और उस बीमा को करवाने के बावजूद हम उसमें देखते हैं कि हमने एक गाड़ी ली और उसमें 20-30 हज़ार रुपये का बीमा करवाया उसका और 5 साल के लिए या 6 साल तक हम उसको पेड करते रहे, तो 6 साल में उस पैसे की वैल्यू स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत शायद 5 साल में अगर 20 हज़ार का है तो 1 लाख रुपये हो सीधे सीधे 1 लाख रुपये में क्या हमने वो 5 साल यूज किए, उन 5 सालों में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई हमारे साथ कि हमने वो 1 लाख रुपये यूज किया। अगर हमने वो 1 लाख रुपये यूज कर लिया तो गलत है, तो बेहतर है कि यार हम लोगों ने 1 लाख रुपये दिए थे जिससे हमने 50-60 हज़ार रुपये का अपने गाड़ी में काम करवा दिया। लेकिन अगर हम 6 साल तक हमारे पास कोई परेशानी नहीं हुई, 10 साल तक हमारे पास कोई परेशानी नहीं हुई और 11वें साल हमने LIC की वो किस्त भरना ही छोड़ दिया हमने कहा कि अब तो गाड़ी लगभग क्या होना है इस गाड़ी को 11-12 साल हो गए और हमने एक गाड़ी को पैसा भरना छोड़ दिया, तो क्या हमारे पैसे, क्या LIC हमें तब उस पैसे का कोई रिगार्डिंग तो हमको कोई बेनिफिट देगी? क्या LIC उस समय हमारे उस पैसे में से मान लिया अगर हमने 10 साल इन्वेस्ट किया है 5 साल में एक आया है तो 10 साल में 2 आ जाएगा वही वैल्यू, जैसे 2 लाख में से हमको LIC उस समय अगर हमारा 11 साल हमको उस पैसे को नहीं देते हैं या हमारी वो किस्त छूट जाती है, हम बंद कर देते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या 11 साल हमारा वो पैसा हमको मिल पाएगा? ये एक सोचनीय विषय था। इस विषय पर मैंने एक वीडियो तैयार किया है जिसके अंदर हम देखेंगे, अंदर जब हम सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एक LIC फंड में और एक शेयर मार्केट के उसमें, तो हम देखेंगे कि किस कौन सा हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में अगर हम 5 साल सेविंग कर लेते हैं या 5 साल इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए कौन सी चीज़ क्या बेहतर निकल जाती है, क्या हमें वो 5 साल उसमें लगाना चाहिए या 5 साल किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो शायद आप लोग इन्वेस्टिंग का वो तरीका अपनाएंगे जो शायद मैं अपना रहा हूँ। अगर वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो शायद हम लोगों को LIC या स्वास्थ्य बीमा खरीद के या किसी भी बीमा में खरीद के किसी भी बीमा में जाके हमें कोई फायदा मुझे नज़र नहीं आता पर्सनली रूप से, इसलिए मैं किसी भी बीमा के अपोजिशन में रहता हूँ। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए जब हम सिस्टम में जाएंगे देखेंगे कि यार इस टॉपिक में आके क्या अंतर रहता है, आप किस तरीके से हम इस तरीके में डिफरेंस पाते हैं, इन सब टॉपिक को जानने के लिए हमें सिस्टम में जाएंगे। उससे पहले मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करिए और आधे वीडियो को देखकर कोई निष्कर्ष में मत पहुँचिए, वीडियो को कम से कम पूरा देखिए तब एक निष्कर्ष लीजिए कि हाँ वाकई में इस वीडियो में हमें वो जानकारी मिली या नहीं। धन्यवाद। तो हम लोग हैं, मेरा जो पर्टिकुलरली डीमैट के मैं इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिंग के, उस अकाउंट में जाता हूँ और उस अकाउंट की कुछ बात आपको बताता हूँ। मैं एक शेयर इसमें से खोल रहा हूँ SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2016 में इस फंड की वैल्यू देखते हैं, 2016 में इस फंड की वैल्यू मात्र 200 रुपये है जिसमें हम टिक लगा रहे हैं।
ठीक है, पीछे का इतिहास देख लेते हैं, आगे तो हम भविष्य नहीं दिखा सकते, लेकिन हम पीछे का इतिहास देख के हम आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो LIC और शेयर मार्केट में यही डिफरेंस है। लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन इसको बुरा समझने से पहले इसकी वक़्त अपने लाइफ में जान लीजिए। सपोज दैट अगर हम यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हमने LIC में किया होता, और ये तारीख नीचे शो हो रही है, यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर तारीख शो हो रही है, ये तारीख है 2 मई 2016। 2 मई 2016 से अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, और वो LIC की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, अभी शेयर मार्केट नहीं बात कर रहा हूँ, और वो जनवरी 2020 तक हम ले जाते, 4 साल सपोर्ट, 5 साल ले जाते, और हमें कोई बीमारी नहीं हुई, फिर हम इसमें शायद हमारी वैल्यू जो होती है इस पैसे की हम छोड़ देते, या फिर हमारा कोई ऐसा होता कि हम इस बीच में, इस पीरियड में 21 के बाद यहाँ तक कोई किस्त नहीं भरते, और हमें यहाँ पर कहीं पे बीमारी हो जाती 2 मई 2023 को, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाती, सपोज दैट अगर ऐसी हो जाता, ऐसी कंडीशन आ जाती, तो क्या LIC हमारे इस पैसे को जो हमने 1 अप्रैल 2016 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था LIC फंड के अंदर, और करीब हमने 3 मई 2021 तक हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया, और उसके बाद हमने अगर छोड़ दिया होता, तो क्या हमारा LIC इस पैसे को देता, इस पैसे का रिटर्न हमें, ये जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ तक हुआ था, क्या LIC हमें इस पैसे की वैल्यू हमें वापस करता, हमें, हमने यहाँ पर इस पीरियड में कोई किस्त नहीं भरी होती, तो क्या LIC हमारे उस बीमारी को जो हमारे उसमें हुई होती उसका इलाज कराता, या उसमें कोई फंड एडिशन करके हमको कोई चीज़ की हमें सुविधा प्रदान करता? शायद नहीं, वो पैसा हमारा फंड में निवेश जरूर होता, लेकिन वो पैसा हमारा घुस चले जाता, और उस पैसे का कोई बेनिफिट्स हमको नहीं मिलता अगर हम कोई भी किस्त इंस्टॉलमेंट अपनी छोड़ देते। और सपोज दैट अगर यही चीज़ हमने इसमें कही की होती, एक तो हमें शेयर मार्केट में कुछ वर्षों के बाद, सडनली 1 वर्ष की बात नहीं, 2 वर्ष की बात, लगभग 2 से 2.5 वर्ष की बात, हमारा पैसा रिटर्न देना लगता है बहुत अच्छा, इस बात को हम समझते हैं। और दूसरी बात, जब वो रिटर्न देने लगता तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट अच्छा रखना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, हमारा मन लगे रहता है, क्योंकि उसका रिटर्न वैल्यू देख कर, और जब वो रिटर्न वैल्यू हमें दिखती है तो हमें उस पैसे में ऐसा लगता है कि हाँ, इस पैसे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, इस पैसे का काफ़ी अच्छा वैल्यू रही है, तो हम लोग उस पैसे को ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, 2016 में हमने यहाँ पर 200 रुपये का ये शेयर था, इसको ख़रीदना शुरू किया, हर महीने प्रति महीने हम इसको ख़रीदते हैं 1000 रुपये के हिसाब से, अगर हम इसको ख़रीदते हैं तो ये यहाँ पर कहीं पे बहुत अच्छा गया, 313, ये तारीख थी 2018 की, जिसमें हमारी वैल्यू बहुत अच्छी थी, फिर ये गिरा, फिर ये इससे ऊपर पहुँचा 355 रुपये में, ये तारीख थी 2019 की, 19 के बाद बीच में जो कोविड आया वो ये पीरियड था जो एक रेडिंग रेड कैंडल दिखी है, ये इस पीरियड में इस शेयर को अपनी वास्तविक वैल्यू में ही पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि हमारा पैसा ही 212 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट था, ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं था, और शायद हुआ भी होगा तो नेक्स्ट जब कोविड ख़त्म हुआ सितंबर में, तो वहाँ से पैसे ने दोबारा रेस लगाई, और उसने सारे टारगेट छोड़ते हुए 355 का टारगेट भी तोड़ दिया, 400 का टारगेट भी तोड़ दिया, 500 का टारगेट भी तोड़ के दोबारा ये शेयर 452 रुपये में घूम रहा है। अब अगर हम इसके पैसे की एक वैल्यू देखते हैं कि हमारे पैसे का क्या वाकई में वैल्यू हुआ है, तो अगर हम 1000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करते थे तो एक साल में हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12000 रुपये था, और 5 साल का अगर हम हिसाब लेते हैं, 5 साल में 60 मंथ होते हैं, तो
मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं तो हमारे पैसे का जो हिसाब आता है 60,000 आता है। और ये पैसा अगर हम 200 रुपए से इन्वेस्ट कर रहे थे और आज ये पैसा हमारा 472 रुपए में है तो जस्ट हमारा पैसा दुगना से तिगना हो चुका है, साहब लगभग तिगना हो चुका है। लगभग ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पश्चात ये पैसा हमारा जो 1,000 रुपए की आर टी है यही आर टी में हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो अगर हमने यहाँ से शुरू किया था तो ये शायद 200 रुपए का फंड वैल्यू थी इसकी, 200 रुपए से अगर हमने इसको शुरू किया था तो आज इसकी कीमत है 471 रुपए, तो जस्ट डबल है पैसा क्योंकि 200 रुपए से स्टार्ट किया था 471 रुपए, तो पैसा डबल है। तो हम इसको मान लेते हैं लगभग ये पैसा सपोज दैट ये पैसा जो होगा वो लगभग यहाँ पर देखिएगा 140,000 के समथिंग ये पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए, हमारे डीमैट अकाउंट में, जिसको सिर्फ हमने 1,000 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। और जबकि अगर हम 1,000 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हर आदमी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, और ये 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 साल के अंदर यहाँ दिखता है। फंड आप ऐसा छांटिए, फंड आप ऐसा लीजिए, ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो ब्रांडेड हो, जैसे हिंदुस्तान लीवर, जैसे SBI, जैसे सिप्ला। सिप्ला का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो क्या सिप्ला ने क्या किया, टाइटन, अगर इन फंडों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से इन फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पैसे को ऊपर जाने से या इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपके पैसे की वैल्यू क्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, बिल्कुल साहब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, आपका पैसा निखर के सामने आएगा, आपके पैसा आपके सामने रहेगा, आपके पैसे को आप अगर 2-3 किस्तें छोड़ भी देते हैं आपको कोई डिफॉल्ट चार्ज नहीं देना है। का शेयर है इसको भी देख लेते हैं, कोई अच्छे ब्रांडेड कंपनी में आप स्टॉक पकड़िए और उसको ये मत देखिए वो गिर रहा है बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा ही उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, उसको मद्देनजर ना रखिए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर किसी भी ब्रांडेड शेयर में बात करते हैं, 2016 की बात है और हम भी इसको जनवरी से पकड़ते हैं, जनवरी में इस शेयर की कीमत लगभग 504 के करीब थी, ये शेयर की कीमत है, मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर देता हूँ। मार्च में हमने फिर इस शेयर को पकड़ा और इस शेयर को अगर हम जूम करें तो अगर आप देख सकते होंगे तो इस शेयर की कीमत लगभग 517 रुपए है, जो हरी लाइन से मैं दिखा रहा हूँ वो 517 रुपए उस शेयर की कीमत है जी, इस शेयर की कीमत यहाँ पर 517 रुपए है। और विद इन 5 ईयर्स में हमने इसको ऊपर जाते वक्त भी खरीदा, नीचे गिरते वक्त भी खरीदा, फिर ऊपर जाते वक्त भी खरीदा, कई टाइम ऐसा हुआ होगा मंथली में हमने इसको खरीदा होगा, और इस 500 रुपए के शेयर ने की कीमत आज के दिन में, इस शेयर की कीमत आज के दिन में जो प्रदर्शित हो रही है 978 रुपए हो रही है। ये पैसा आपका फिर दिगना होने के हिसाब में है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसा एक इन्वेस्टमेंट चलाइए मात्र 1,000 रुपए में या 2,000 रुपए में, अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक ट्रेडिंग को जुआ मत समझिए, स्टॉक ट्रेडिंग जुआ नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग एक मनी मशीन है जहाँ पर ग्लोबल के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसको समझिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और इसको
इसमें लॉस आदमी वही खाता है जो बहुत जल्द अमीर होने की कोशिश करता है, इसमें लॉस आदमी वही खाता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, बल्कि इसके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर हम इसकी वैल्यू इस पैसे को यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये एक हमारा सेविंग फंड की तरह काम करता है और इसको ये पैसा हमारा निखर के बाहर आता है। निखर के मीन्स दुगना होकर बाहर आता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका स्टॉक ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, आपका स्टॉक में एक घटते क्रम में भी बाइंग होनी चाहिए, आपके स्टॉक के बढ़ते क्रम में भी बाइंग होनी चाहिए, आपको सिर्फ खरीदना है और रिजल्ट उसका आफ्टर 5 या 6 ईयर्स बाद आपने देखना है, तब आपका पैसा जस्ट दुगना होने की रेंज में होगा। और यही सब चीज़ में अगर मैं इसका डिफरेंशियस निकालता हूँ, डिफरेंशियस सिर्फ ये निकल के आता है कि LIC को अगर हम कोई किस्त छोड़ देते हैं तो LIC हमें उस फंड की पूरी वैल्यू नहीं देता है, लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर कोई आकस्मिक बीमारी में उस चीज़ को छोड़ देते हैं, आपसे कोई डिफॉल्ट चार्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि वो पैसा आपके बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह ही उसमें काम करता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। और दूसरा काम, दूसरा बेनिफिट्स ये है कि आप उसको किसी भी समय कंटिन्यू कर सकते हैं, जब आपकी आकस्मिक परेशानियाँ ख़त्म हो गई आप उस फंड को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपकी परेशानियाँ बहुत बड़ी हैं तो उसको आप आकस्मिक रूप से तोड़ के सारा पैसा निकाल सकते हैं। इस बेनिफिट को समझिए, इस बेनिफिट्स में जाइए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्रम रखिए, तो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ऊपर होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपको वीडियो ये दोबारा समाप्त करता हूँ कि काबिल वही बनता है जो बार बार गिर के खड़े होने की कोशिश करता है, काबिल वो नहीं बनता है जो गिरने के बाद वो भी छोड़ देता है। तो कोशिश करिए, आगे बढ़िए, ताकि आपके पैसे का, आपका वैल्यू का, आपके पैसे की, आपके खून पसीने के पैसे की सही जगह पर इन्वेस्टमेंट हो सके, सही जगह पर आप उसका प्राप्त कर पैसे का इन्वेस्टमेंट कर उसका रिटर्न प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।